वेलकम शिल्पी जी, वेलकम टू द ज्ञान भारत प्लेटफॉर्म। बहुत दिनों के बाद आए हो। थैंक यू सो मच मैम। या थैंक्स। एंड आज आप हमको श्री एम की जर्नी बताने वाली हैं। जी मैम, तो ओवर टू यू, प्लीज हमको एनलाइटन कीजिए। मुझे स्क्रीन शेयरिंग के लिए परमिशन। हाँ, शुड आई स्टार्ट नाउ? यस प्लीज, यस प्लीज, वी आर वेटिंग। सभी मास्टर्स को मेरा नमस्ते और पत्री सर को मेरा नमन। मास्टर्स, आज मंडे का दिन है और मंडे के दिन हम लोग किसी ना किसी मास्टर की जर्नी को शेयर करते हैं। तो आज मैं जिस मास्टर की जर्नी को शेयर करने जा रही हूँ आप सबके साथ में, उनका नाम है श्री एम। मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैम शो हो रहा है? ये जो मास्टर आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये श्री एम हैं और इनकी ऑटोबायोग्राफी है जो कि इन्होंने लिखी है। और इन्होंने अपने लाइफ के 3.5 ईयर जो हिमालयन मास्टर के साथ में स्पेंड किए हैं, उसकी जर्नी और उनकी टीचिंग्स को इन्होंने उसमें शेयर किया हुआ है। बुक बहुत बड़ी है, अराउंड 350 पेजेस की है और 50 चैप्टर्स हैं। मेरी कोशिश है इसमें कि मैं आपको जो जितने भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको आपके साथ शेयर करूं। और मुझे उम्मीद है कि ये सुनने के बाद आप लोगों का इस बुक को पढ़ने का जरूर मन करेगा। श्री एम जो है उनको हम उनके एक नाम नहीं है, उनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इनके बारे में एक स्टोरी है कि रियल स्टोरी है ये इनकी पास्ट लाइफ की। ये बाय बर्थ तो मुस्लिम फैमिली में इनका बर्थ हुआ है। इनका बर्थ का नाम था मुमताज अली खान, बट ये जो आप और नाम देख रहे हैं दूसरे, वो इनके पास्ट लाइफ से रिलेटेड हैं। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी लाइफ रही है, और कि ये मुस्लिम फैमिली में बॉर्न होने के बावजूद भी एक हिंदू स्पिरिचुअल मास्टर कैसे बने, ये कैसे हिंदू योगी से मिले, इसके पीछे की इनकी पास्ट लाइफ है जिसको मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी। ये स्टोरी है तब की। श्री एम बताते हैं कि एक पास्ट लाइफ में वो एक योगी थे जो कि हिमालयन मास्टर के साथ में ही रहते थे, और महा अवतार जो बाबा जी हैं उनके ये शिष्य थे, और उस वक्त ये एक साधना में बैठे हुए थे। तो एक मॉमडन फकीर थे, वो इनके पास में आए थे, वो भी काफी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी करके आए थे, पर जिनके साथ वो थे सूफी के साथ, उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया और उन्होंने ये कहा कि अब इससे आगे की टीचिंग्स मैं तुम्हें नहीं दे सकता, अभी तुम हिमालय पर्वत पे जाओ, वहां पे तुम्हें एक योगी मिलेंगे जो तपस्या कर रहे होंगे और वो ही तुम्हारा आगे का स्पिरिचुअल पाथ को बताएंगे। तो वो ढूंढते ढूंढते काफी परेशान होते होते, मुश्किलों का सामना करते करते श्री एम तक पहुंचते हैं, और उनको वो देख के वो बहुत खुश हो जाते हैं कि फाइनली मुझे वो योगी मिल गए जिनको मेरे गुरु ने मुझे बताया था। और श्री एम उस वक्त एक ध्यान साधना में बैठे हुए थे, और जब वो आ करके उनके गले लग जाते हैं तो श्री एम का जो ध्यान है वो एकदम से हट जाता है। तो अब वो एकदम गुस्से में आ जाते हैं कि किसने मेरे ध्यान को भंग कर दिया, और वो बोलते हैं कि आप मेरे गुरु हैं और मेरे 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 जो सूफी मास्टर हैं, संत हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि हिमालय पे जाओगे तो एक गुरु तुमको मिलेंगे वहां पे, वही तुम्हारा मार्ग आगे का दिखाएंगे। तो वो बोलते हैं कि तुमने बहुत गलत किया है और मेरी तपस्या को तुमने भंग कर दिया और मुझे तो ऐसा कोई संदेश नहीं मिला, तो मैं तुम्हें इस रास्ते में आगे कुछ नहीं बता सकता, अब तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें गुस्से में कुछ श्राप दे दूं और तुम्हारा कुछ अहित हो जाए, तो तुम यहाँ से चले जाओ। पर वो बोलते हैं कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, और अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो आपका शिष्य बनकर के ही जाऊंगा, तो ये आपकी बहुत कृपा होगी अगर आप मुझे अपना शिष्य बना लें। श्री एम और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते कि तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो, और इस तरीके से वो वहां से बोलते कि तुम जाओ और मुझे अभी अलकनंदा नदी में डुबकी लगा करके अपने आप को फिर से शुद्ध करना है, क्योंकि तुम एक मुस्लिम हो और तुमने मुझे अपवित्र कर दिया है। श्री एम उनसे बहुत नाराज होते हैं, और वो एक जो उम्मीद लेकर के आए होते हैं उनके पास कि अब उनके गुरु अब उनको अपनाएंगे, तो वो ये कहते हैं कि इससे तो बेहतर है कि मैं इसी नदी में कूद करके अपनी जान दे दूं।
और इस तरह से वो जो मोहम्मदन जो आए थे उनके पास में मुस्लिम, वो उसमें कूद जाते हैं और अपनी जान दे देते हैं। और यहाँ पर श्री एम को इस चीज का कोई पछतावा नहीं होता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। तभी पीछे से उनके मास्टर आते हैं, वो बोलते हैं कि मतलब तुमने ये क्या किया, तुम्हें ये नहीं करना था, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि वो कितनी उम्मीदें लेकर के तुम्हारे पास आया था, और तुमने किसी को किसी के पोशाक से, उसके धर्म से कैसे उसको आइडेंटिफाई किया, क्या तुमने अब तक सीखा नहीं है इस चीज को कि किसी को भी उसकी आइडेंटिफाई जो आउटलुक है उसको देख करके नहीं करते हैं। तुम तलवार से ज्यादा म्यान को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस तुमने दी, और एक योगी होने के बावजूद तुम्हें बहुत सब्र से इसका जवाब देना था, और तुमने वही किया जो बड़े बड़े योगी भी जिस चीज से नहीं रह पाते, सेव नहीं कर पाते खुद को, मतलब गुस्से में आकर के तुमने कुछ ऐसा कर दिया है, अहित कर दिया है, और तुम्हारी वजह से उस व्यक्ति की जान चली गई है। तो श्री एम को बहुत पछतावा होता है, वो बोलते हैं कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं इसके लिए क्या करूं। तो उनके मास्टर कहते हैं कि अब कुछ नहीं, तुमने जितनी ध्यान साधना की थी और तुम जिस उच्च स्तर तक पहुंचे थे, अब तुम्हें फिर से शुरुआत करनी होगी, और इसके लिए तुम्हें 2-3 जन्म भी लेने होंगे, और तुम्हें उसी पीड़ा से गुजरना होगा जिससे वो व्यक्ति गुजरा था। तुम्हें एक मुस्लिम फैमिली में बर्थ लेना होगा और इन सारी चीजों को फेस करना होगा। तो वो अपने मास्टर के सामने बहुत रोते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जैसा कहेंगे गुरु मैं वैसा ही करूंगा, पर आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि मैं कहीं भी बर्थ लूं लेकिन आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे और मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं। तो जो उनके गुरु थे वो उनको प्रॉमिस करते हैं कि वो उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, और उन्होंने उनको ये आदेश दिया कि वो अभी तुरंत खेचरी मुद्रा यूज करके अपनी थर्ड आई से अपने प्राणों को त्याग दें, और श्री एम ने वैसा ही किया। तो ये जो उनकी मॉडर्न फैमिली में बर्थ लेने की स्टोरी थी वो ये थी, और अब यहाँ से उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है कि वो कैसे एक मुस्लिम फैमिली में बर्थ लेने के बावजूद भी हिमालयन योगी से मिले। तो श्री एम जो है उन्होंने जो बुक लिखी है वो ये है, हिमालयवासी गुरु के साये में एक योगी का आत्मचरित। तो इसमें उन्होंने अपनी जर्नी जो बताई है, बहुत सारे गुरुओं के बारे में बताया हुआ है कि वो जहां जहां स्टॉप किए थे, किस किस गुरु से मिले, किन किन गुरु से उनको क्या क्या टीचिंग्स मिली, जो कि बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। अगर आप लेंगे तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगा इससे, लेकिन इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे इंटरेस्टिंग टीचिंग्स हैं और टॉपिक्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे पर्सनली, और वो मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहूंगी। श्री एम के जो गुरु हैं इस बार वो है महेश्वर नाथ बाबा जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, और जो पहली फोटो है वो सभी लोग समझ सकते हैं, जानते हैं कि वो महाअवतार बाबा जी की है, जिनको वो श्री गुरु बाबा जी के नाम से बोलते थे। महेश्वर नाथ बाबा जी भी उनको श्री गुरु बाबा जी के नाम से बोलते थे। महाअवतार बाबा जी जो शब्द है वो परमहंस योगानंदा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में यूज किया है, पर यहाँ पर वो इनको श्री गुरु बाबा जी बोलते हैं। अब यहाँ से मैं आपको बताना चाहूंगी कि उनकी जो जर्नी है मुस्लिम फैमिली में, थोड़ा सा बताऊंगी कि वो कैसी रही है। तो श्री एम जो है उनका बर्थ केरल की कैपिटल में हुआ था, और इनकी फैमिली में इनकी 2 सिस्टर्स और हैं, और इनके पापा एक पर्सन है जो कि व्यवसाय करते हैं। तो श्री एम बताते हैं कि जब वो बचपन में उनको इस चीज का इंटरेस्ट पहले से ही हो गया था, वो मुस्लिम फैमिली में बर्थ लिया था, लेकिन वो अपनी चाइल्डहुड एज से ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे हिंदू फैमिली में, उनके गॉडेस में, और उनके जितने भी ग्रंथ होते हैं उन सबको रीड करने में। पर जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो बिल्कुल मना करती थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी, थोड़ी कट्टरवादी थी, वो इस चीज के लिए मना करती थी कि हमें हिंदुओं से ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं रखना चाहिए, उनकी ज्यादा बुक्स को हमें रीड नहीं करना चाहिए, इससे क्या होगा तुम्हारे जो अपना धर्म है उससे भटक जाओगे, इस तरीके से वो उनको उससे दूर रखना चाहती थी। लेकिन फैमिली की लाख कोशिशें करने के बाद भी वो उनको उससे दूर नहीं रख पाए। श्री एम बताते हैं कि जब वो 9 साल के थे तब वो पहली बार महेश्वर नाथ बाबा जी से मिले थे, वो भी अपने घर के आंगन में, यानी उनके घर के बाहर एक आंगन था, गार्डन था, जहाँ पे कटहल का एक ट्री था। तो वहां पे वो जब शाम के टाइम खेल रहे थे तो एक बार उन्होंने देखा कि वहां पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति है, बहुत बड़ा सा, लंबा सा, जो कि खड़ा हुआ है और उनको देख रहा है।
तो वो उस चीज से घबराए नहीं, बल्कि वहां पे गए और उन्होंने उनको देखा कि वो कौन थे। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही ऊंचे कद का आदमी था, बहुत गोरे वर्ण का था और बाल जो है उनके ऊपर की तरफ उन्होंने बांधे हुए थे इस तरीके से, बड़ी बड़ी बालियां पहने हुए थे, रुद्राक्ष की माला थी, हाथ में कमंडल था और सिर्फ एक धोती पहने हुए थे। तो इस तरह से वो उनके पास में जाते हैं और महेश्वरनाथ बाबा जी उनको देख करके बहुत खुश होते हैं और उनके सर पे हाथ रखते हैं, उनको बहुत प्यार से कहते हैं कि तुम्हें कुछ याद आया, तो वो बोलते हैं कि नहीं। फिर वो उनके हृदय को छूते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद जो इस मीटिंग के बाद में वो चले जाते हैं, मतलब मधुकर जी जो है वो चले जाते हैं और पीछे मुड़के जब देखते हैं तो वहां पे कोई नहीं होता और वो बहुत दूर तक देखने की कोशिश करते हैं लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं दिखता। ये उनकी फर्स्ट मीटिंग थी उनके मास्टर के साथ में। इसके बाद से उनके अंदर जो अध्यात्म है वो धीरे धीरे जागृत होने लग गया, उनको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपने आप होने लग गए और वो उस तरह की बुक्स रीड करते थे, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स उन्होंने रीड कर रखे थे। तो वो धीरे अपने आप ही घर में अपने प्रैक्टिस किया करते थे, रात को सोते टाइम पर अपने हृदय स्थान पर ध्यान केंद्रित करने की, अपने अंदर झांकने की कोशिश करने की। और उस रात जब उनको महेश्वरनाथ बाबा जी ने टच किया था तब वो सोए थे, तो बता रहे थे कि उस रात जो उनका ध्यान लगा था वो बहुत ही अद्भुत था और बहुत ही आनंद से भरा हुआ था। उसके बाद उनके ध्यान की शुरुआत हो गई थी धीरे धीरे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि प्रॉपरली ध्यान लगाया किस तरीके से जाता है, पर वो अपने हार्ट सेंटर पे ध्यान को लगाया करते थे। ये उनकी मीटिंग के बाद में। अब मैं बताना चाहूंगी कि 19 एज तक, यानी कि 9 साल से लेकर 19 साल तक की एज तक उन्होंने किस तरह की लाइफ को जिया है। जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे थे उनके जो टॉपिक्स हैं वो चेंज होते जा रहे थे, मतलब चीजों को लेकर के उनका नजरिया बदलता जा रहा था। जैसा एक मुस्लिम फैमिली का नजरिया रहता है चीजों को लेकर के, वो उससे बियॉन्ड सोचने लग गए थे, क्योंकि उनके स्कूल में उनकी फ्रेंडशिप बहुत सारे जो हिंदू फैमिली के बच्चे रहते हैं उनसे भी थी और वो उनके घर जाया करते थे, उनकी बातें सुना करते थे, फिर अपने घर पे आकर के डिस्कशन किया करते थे। तो उनके घर वालों को ये चीज पसंद नहीं आती थी। एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट है जो मैं बताती हूँ। वो बोलते हैं कि मेरी माँ जो है उनको लंच में बहुत सारा नॉनवेज रखा करती थी और जब वो अपने हिंदू फैमिलीज के जो दोस्त हुआ करते थे उनके साथ बैठ के अपना स्कूल में लंच किया करते थे, तो वो देखते थे कि वो लोग साउथ इंडियन खाना लेकर के आते थे, लाइक राइस और इडली और सांभर इस तरीके का। तो वो बोलते थे कि तुम लोग नॉनवेज क्यों नहीं खाते, क्योंकि नॉनवेज खाने से हम बहुत शक्तिशाली बनते हैं और हमारा ब्रेन बहुत अच्छा काम करता है, हम बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो इस वाली बात पर वो उनके सारे फ्रेंड्स दूर हट जाते हैं और डरने लग जाते हैं कि हम ये नहीं खाते हैं, हमारे यहाँ प्योर वेज ही खाते हैं। अब वो क्या करते हैं ना, वो देखते हैं कि जब एग्जाम टाइम होता था तो उनके फ्रेंड्स बहुत अच्छा स्कोर लेकर के आते थे, फर्स्ट डिवीजन आते थे, परसेंटेज बहुत हाई आते थे, जबकि उनके कम आते थे। तो वो अपनी मदर को ये चीज कहते थे कि नॉनवेज खाने से कुछ नहीं होता, ये एक मिथ है कि नॉनवेज खाने से हम बहुत इंटेलिजेंट होते हैं या हमें प्रोटीन बहुत अच्छा मिलता है या हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है, ये एक मिथ है जो कि हम लोगों ने बना रखा है। जबकि उससे ज्यादा स्कोर, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट वो लोग हैं जो वेजिटेरियन है। फिर वो लोग कैसे इतना स्कोर लेकर के आते हैं, कैसे इतने पढ़ाई में इतने अच्छे रहते हैं। तो यहाँ से उनका जो ये विश्वास था नॉनवेज को लेकर के वो खत्म हो जाता है, वो धीरे धीरे नॉनवेज कम करने लग जाते हैं। ये तो एक छोटा सा था। और इसके अलावा वो शुरू से ही ना बहुत घूमने वाले पर्सन रहे, मतलब स्कूल को बंक करके निकल जाना, कभी ट्यूशन क्लास को बंक करके कहीं निकल जाना, अकेले टाइम स्पेंड करना, योगीज के बारे में बुक्स रीड करना। और जब वो 16 साल के थे तो 16 साल की एज तक उन्होंने काफी सारी बुक्स को रीड कर लिया था, स्वामी विवेकानंद के जितने भी उनके साहित्य थे उनको उन्होंने रीड कर लिया था, जय कृष्णमूर्ति, रामकृष्ण परमहंस और भगवत गीता, इस तरह से उन्होंने काफी सारी बुक्स जो है वो उन्होंने रीड कर रखी थी, जिससे कि उनका अध्यात्मिक की तरफ, अध्यात्मिकता की तरफ रुझान और ज्यादा बढ़ गया था। और वो इस चीज में बिलीव करते थे कि उन्हें कहीं तो जाना है, कोई तो है जो उनको बुला रहा है, कॉलिंग उनको आती थी। और हिमालय जो है बर्फ से ढकी हुई चोटियां वो उनको बहुत अट्रैक्ट करती थी
उनको लगता था कि वहाँ हिमालय में कोई है जो मेरा इंतजार कर रहा है, बस वो अपने बड़े होने का वेट कर रहे थे कि कब वो बड़े होंगे और तब वो हिमालय की तरफ जाएंगे। तो इस बीच में जब वो 19 एज के थे और जब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था हिमालय निकलने के लिए, उससे पहले वो काफी सारे मास्टर्स से मिल चुके थे जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। वो भगवान नित्यानंद से मिल चुके थे, योगी गोपाल स्वामी से और स्वामी अभेदानंदा से मिल चुके थे, स्वामी इस तरह के काफी जो उनके फॉलोअर्स हैं और उनके बाद में जो उनकी संस्था को चला रहे हैं, इस तरह के काफी स्वामी से वो मिल चुके थे। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा किस्सा है स्वामी अभेदानंद के साथ में उनका, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। स्वामी अभेदानंद से जब वो मिले थे तो वो कृष्ण भक्ति में सराबोर थे, मतलब वो भक्ति योग में थे, और जब वो उनसे मिले थे तो उन्हें लगा था कि उनको कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ प्रैक्टिसेस मिलेंगी। पर जब वो उनके साथ में आए और जब उन्होंने उनको सुना तो उन्होंने देखा कि उनकी आवाज बिल्कुल लड़कियों की तरह से है और वो इतना प्यार से बात कर रहे हैं और वो रोते जा रहे हैं और पूरी तरीके से प्यार में डूबे हुए हैं कृष्ण और राधा के। और जब वो उनको बोलते हैं कि तुम भी इस तरीके से करो, अपने हृदय को जागृत करो, तो तुम भी उस यूनिवर्स से लव को फील करोगे। और फिर इस तरीके से वो उनके कंधे पे हाथ रखते हैं, उनसे बात करते हैं और कुछ तो उनका एनर्जी का ट्रांसफर होता है इस बीच में। तो उसके बाद में जब वो ध्यान में बैठते हैं तो वो खुद इतना भक्ति में डूब जाते हैं, उस वक्त उनका हार्ट सेंटर जागृत होता है और वो उस ध्यान में एक विजन देखते हैं कि इतनी सारी गोपियां हैं बहुत सारी और कृष्ण और राधा हैं और वहां पे एक गोपी में से वो खुद ही हैं और जितनी भी गोपियां हैं वो उनके सराउंडिंग जो भी हैं वो सब उनके साथ में इंजॉय कर रही हैं, डांस कर रही हैं और पूरा कृष्ण के साथ में लीलाएं कर रही हैं, जिसमें से वो एक खुद थे। और वो काफी लंबे टाइम तक उस ध्यान के स्टेट में रहे थे और जब वो बाहर आए थे तब उनको ये चीज अच्छी तरीके से फील हो रही थी कि वो क्या फील करके आए और वो जो फीलिंग थी, उनकी एक्सपीरियंस था, वो काफी लॉन्ग टाइम तक उनके साथ में रहा था। और इसके अलावा एक और उनके किस्से हैं, जैसे कि घर छोड़ने से पहले उन्होंने एक बार ट्राई किया था कि मैं एक बार मैंने प्लान तो कर लिया है कि मैं घर छोड़ूंगा और हिमालय में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक दिन क्या किया, अपने स्कूल्स के बाद में उन्होंने अपनी मदर को बोला कि मेरी कुछ मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लासेस हैं और कुछ हम दोस्त मिलकर के पढ़ाई करेंगे ट्यूशन सर के यहाँ पे, और ये बोल करके वो निकल गए और हम लोग नेक्स्ट डे आएंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो वहां पे तो गए लेकिन नेक्स्ट डे बोल करके अपने टीचर को भी बोला कि मैं अपने घर जा रहा हूँ और घर पे कह दिया कि मैं नेक्स्ट डे आऊंगा। उस रात वो एक समाधि स्थल पे पहुंच गए थे और वो जो समाधि स्थल थी वो कब्रिस्तान के पास में थी। उन्होंने सोचा कि वो एक रात जो है वहां पे स्टे करेंगे और एक्सपीरियंस लेंगे कि घर से दूर रहने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो वहां पे जाने के बाद में वो जो वहां का माहौल था उसको देख करके, जो वहां का वातावरण था उसको देख करके थोड़ा सा डर गए कि वो समाधि पे एक बहुत बड़ा पेड़ था और वहां पे सिर्फ एक लालटेन जल रही थी और वहां कुछ भी नहीं था। तो उनको लगा कि पीछे से कहीं भूत ना आ जाए, जैसे कि वो छोटे थे एज के, 14 या 16 एज के थे, पर उन्होंने ये डेयर किया अपना रुकने का और वो बस चुपचाप वहां जाके शांति से ध्यान में बैठ गए। फिर उन्होंने देखा कि अंधेरे में एक छोटा सा प्रकाश आता है, वहां पे एक आदमी जो है बहुत ही अजीब सी कंडीशन में, जो कि बहुत डरावना सा लग रहा है, जटाओं वाला है, काफी टाइम से नहाया हुआ नहीं है, बड़े बड़े दांतों वाला है, गंदा सा उनके पास में आता है, जिसको देख के वो डर जाते हैं और वो उनको बोलते हैं कि तुम अपने हृदय स्थान पर ध्यान केंद्रित करते हो ना, तुम्हें कंफ्यूजन है ना कि हार्ट सेंटर कहाँ होता है। इससे पहले उन्होंने जो रामकृष्ण परमहंस की और एक और मास्टर की बुक रीड की, कंफ्यूज थे कि हमारा हार्ट सेंटर किस किधर होता है, सेंटर में होता है या फिर लेफ्ट साइड में होता है। तो वो जो योगी उनको उस वक्त मिले थे वहां पे, वो उनको बताते हैं कि हर तरफ हार्ट चक्र है लेकिन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसका किधर की साइड है। तो बोलते कि तुम्हारा सेंटर में है। जैसे ही वो उसको छूते हैं तो उसके बाद में उनको एक पर्पल कलर की लाइट दिखती है और वो उस लाइट में पूरा तरीके से भीग जाते हैं, मतलब उसमें बहुत ज्यादा आनंद में चले जाते हैं और इस तरीके से ध्यान में उनकी पूरी रात निकल जाती है और नेक्स्ट डे वो अपने घर नॉर्मली चले जाते हैं। और ये सारी प्रैक्टिसेस, ये सारी मीटिंग वो अपने घर वालों से छुपके छुपके किया करते थे। अब बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि
जब वो 19 इयर्स के थे तब उन्होंने अपने घर को छोड़ने का फैसला कर लिया था कि अब जो है मैं काफी घूम चुका हूँ और मुझे इतनी नॉलेज हो गई है कि मैं कैसे जो है ना घर के बिना अपनी फैमिली के बिना रह सकता हूँ। तो वो अचानक एक दिन निकल जाते हैं बिना अपने घर में किसी को बोले और हिमालय की यात्रा की तरफ निकल जाते हैं। उनको कोई आइडिया नहीं था कि उनको कितने चैलेंजेस को फेस करना होगा, पर फिर भी वो निकल जाते हैं। और इसमें उनका एक फ्रेंड रहता है रमेश, वो उनका पूरा खर्चा उठाता है, उनको पूरा फाइनेंशियली सपोर्ट करता है और सिर्फ उसको ही पता रहता था कि श्री एम कहाँ जा रहे हैं और उनसे कैसे मिला जा सकता है। अब जब श्री एम निकलते हैं केरल से तो वो चेन्नई जाते हैं और फिर चेन्नई से वो दिल्ली की ट्रेन पकड़ते हैं और फिर दिल्ली से वो हरिद्वार पहुंचते हैं। अब हरिद्वार पहुंचने के बाद में वो कहते हैं कि मैं यहाँ पहुंच तो गया हूँ लेकिन मैं अपने गुरु को ढूंढूंगा कैसे, और अगर मैंने यहाँ किसी को बता दिया कि मुस्लिम हूँ, मेरा नाम मुमताज है, तो मुझे यहाँ से भगा दिया जाएगा या मुझे अपनाएंगे नहीं, मुझे घुसने नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले अपना ड्रेस कोड चेंज किया, उन्होंने गंगा नदी में स्नान किया, अपने बाल थे वो कटवा के छोटी सी शिखा रख ली, एक कमंडल ले लिया हाथ में, गेरुए कलर के कपड़े धारण कर लिए और इस तरीके से वो लुकिंग वाइज जो है पूरा एक योगी के जैसे दिखने लग गए थे। और अपना जो भी सामान लेके आए थे, कपड़े बैग, वो सब कुछ उन्होंने वहीं छोड़ दिया कि किसी को हेल्प कर देगा, और वो बस थोड़े पैसे और एक बैग लेकर के निकल पड़ते हैं अपने गुरु को ढूंढने के लिए। तो जब वो हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचते हैं तो काफी थक जाते हैं और भूखे भी होते हैं, तो तब जाकर के वो एक आश्रम में जाते हैं जो कि आश्रम रहता है ऋषिकेश में, और उस आश्रम में वो थोड़ा टाइम के लिए रहते हैं। और वहां पे उनको एक और स्वामी मिलते हैं, वो उनको बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो उनको पूरा बताते हैं अपना नाम हिचकिचाते हुए कि मेरा नाम मुमताज अली खान है। तो बोलते हैं तुम्हारा नाम चेंज कर लो, तुम्हारा नाम शिव प्रसाद रख लो, जब भी तुम्हें कोई पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है तुम अपना नाम शिव प्रसाद बताना, जिससे कि तुम्हें कोई भी अपनाने में हिचकिचाएगा नहीं और तुम यहाँ पे आराम से रह सकते हो। यहाँ पे योगियों के लिए भोजन की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है जो कि फ्री में है, और तुम इसको बहुत अच्छे से अपने गुरु को भी ढूंढ सकते हो। तो वो पूछते हैं उनसे कि तुम यहाँ अब तक कैसे आए हो, तब वो उनको बताते हैं कि ऐसे मैं एक आध्यात्मिक गुरु की तलाश में हूँ और मैं उनको ढूंढने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो वो उनको बोलते हैं ठीक है, तुम जितने टाइम तक चाहे यहाँ पे रह सकते हो और जब तुमको लगे तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो कुछ टाइम वो ऋषिकेश में स्पेंड करते हैं और वहाँ के जो स्वामी होते हैं आश्रम के, वो उनको बोलते हैं कि तुम चाहे तो यहाँ रह सकते हो लेकिन मुझे दिख रहा है ऐसा कि तुम यहाँ पे नहीं रुकोगे और तुम हिमालय की तरफ ही जाओगे। और इस तरीके से कुछ होता है, उनके मन में आता है कि मैं यहाँ लंबे समय तक नहीं रुक सकता, मैं मेरा टाइम खराब कर रहा हूँ और मेरी जो यात्रा है वो हिमालय की है और मैं यहाँ पे रुक करके आश्रम की सेवा करते हुए नहीं रह सकता। फिर वो वहां से निकल जाते हैं और घुमंतु जो योगी होते हैं, जो पैदल यात्रा करते हैं घूमते हुए जाते हैं, वो उनके साथ में निकल लेते हैं। और जब तक उनको अपने गुरु जो उनके महेश्वरनाथ बाबा जी हैं, वो उनकी गुफा तक उनको नहीं मालूम बाबा जी कहाँ रहते हैं क्या है, बट उनको एक हिमालय में वहां गुफा तक पहुंचना था उनको। तो अब क्या करते हैं ना, वो उन लोगों के साथ में निकलते हैं और घूमते घामते हुए निकलते हैं। पहले बहुत जोश में रहते हैं फुली कि मैं अपने गुरु को ढूंढ के रहूंगा और मुझे 40 किलोमीटर की यात्रा आज ही तय करनी है, शाम होने से पहले मुझे पहुंचना है। लेकिन उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है, वो एकदम भूखे होते हैं और बहुत थके हुए होते हैं, उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और वो देखते हैं कि मुझे कहीं खाना मिल जाए, कोई रहने की जगह मिल जाए, पर उनको ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं मिलता। तो एक बहुत ही बुरी कंडीशन में जब वो हो जाते हैं और प्रेयर कर रहे होते हैं भगवान को, तब जाकर के उन्हें एक पर्सन मिलता है जो कि उनको बोलता है कि ठीक है आप यहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टे कर सकते हैं और उसके बाद में आप आगे जा सकते हैं। तो जब जब वो परेशानी में होते थे तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो गुरु हैं उनको पता रहता है और वो किसी न किसी रूप में आकर के उनकी मदद कर दिया करते थे। इस तरह से वो जाते हैं और आदि शंकराचार्य की जो गुफा है व्यास गुफा, वो व्यास गुफा तक पहुंच जाते हैं और अलकनंदा नदी तक पहुंच जाते हैं। इस बीच में वो काफी सारे मास्टर से मिलते हैं, बहुत टेंपल्स में जाते हैं, बहुत अलग अलग टेंपल्स के अलग अलग स्वामियों से मिलते हैं, उनके साथ स्टे करते हैं, तो वो काफी लंबा टाइम हो जाता है। लेकिन मैं आपको मेन बता रही हूँ जब वो अपने बाबा जी गुरु से मिलते हैं।
अब जब वो बहुत थक चुके होते हैं और उनको कोई नहीं दिख रहा होता है और उनको बीच में दो एक लोग ऐसे भी मिलते हैं जो ये कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, और या फिर तुम खुद ही गुरु बन जाओ और यहाँ पे कुछ लोगों को प्रैक्टिसेस बता दो तो काफी तुम्हारे चेले बन जाएंगे, तुम बहुत पैसा कमाओगे। और ये बीच बीच में उनके साथ तब होता था जब वो थक जाते थे बहुत ज्यादा, तो कई बार उनके माइंड में आया कि मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन वो फिर भी अपने डिसीजन पे अड़े रहे और उन्होंने लास्ट बोल दिया कि अब मैं बहुत थक गया हूँ कि अगर मेरे कोई गुरु हैं तो प्लीज मुझे वो जल्दी से मिल जाएं, और अगर व्यास गुफा तक भी मेरे गुरु नहीं मिलते हैं तो मैं यही अलकनंदा नदी में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। और वो चढ़ते चढ़ते नंगे पैर, पैरों में छाले, भूखे, बहुत बुरी कंडीशन में व्यास गुफा तक पहुंचते हैं इस उम्मीद के साथ ही शायद कोई उन्हें इस गुफा में योगी मिल जाएगा। और जब वो पहुंचते हैं उस गुफा में तब वो देखते हैं कि कहीं तो एक अग्नि जल रही है और कोई तो है ऋषि या मतलब योगी जो वहां बैठे हुए हैं। अब वो इस उम्मीद में ऊपर चढ़ते हैं कि शायद मुझे यहाँ पे कुछ मिल जाएगा, और वो जैसे जैसे ऊपर आ रहे होते हैं तो महेश्वरनाथ बाबा जी उनको देख करके ही बोलते हैं कि आ गए तुम, आ जाओ। तो वो बोलते हैं कि उनको आवाज को जानी पहचानी से लगती है, ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी है। फिर वो याद करते हैं कि वहां जब वो 9 साल के थे तो जो योगी उनको उनके घर पे मिले थे पेड़ के नीचे, ये उन्हीं योगी की आवाज है। तो वो उनको बुलाते हैं और वो बहुत खुश होते हैं उनको देख करके, और उनको बुला करके बहुत ज्यादा खुश होते हैं वो, और उनके गुरु भी बहुत खुश होते हैं, वो भी बहुत खुश होते हैं उनको देख करके। उनको लगता है कि अब फाइनली मेरी जो सर्च है वो खत्म हुई है यहाँ पे आकर के। और उनके गुरु उनका बहुत वेलकम करते हैं, बहुत अच्छे से बुलाते हैं, और वो बहुत रोते हैं उनके सामने कि आप इतने टाइम तक मुझे क्यों नहीं लेने के लिए आए, मैं कहाँ कहाँ भटका हूँ, और मैं आपको मतलब मेरे को अब मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता, और आप भी मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे नहीं छोड़ेंगे और मैं अब यहीं पे अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तो वो बाबा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं आओ आओ पहले तुम आकर के बैठो और कुछ पहले खा पी लो, क्योंकि उनको पता रहता है सब कुछ कि वो कैसी कंडीशन में आए। उनको ये भी बोलते हैं कि तुम्हारा जो अलकनंदा नदी में कूद कर अपना जान देने का इरादा था वो बिल्कुल गलत था, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। तो वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि ये तो मैंने सोचा था, ये इनको कैसे पता चल गया। तो इस तरह के बहुत सारे किस्से हैं जो अपने मन में सोचते हैं और बाबा जी को पता चल जाते हैं और वो उनको बोल देते हैं। तो फिर उसके बाद में वो जब मिलते हैं उनसे तो उनको मिलकर के श्री एम बताते हैं कि वो बिल्कुल भी रूढ़िवादी नहीं थे, कट्टरवादी नहीं थे, बिल्कुल सरल नेचर के थे, सौम्य थे। और एक गुरु अपने शिष्य की सेवा करता है, वो उनके लिए कंबल बिछाते हैं, घास फूस का तैयार करते हैं कि वो बहुत थके हुए हैं कि वो सो जाएंगे, बाबा जी उनके लिए गुफा में से जाकर के सब्जी और रोटी लेकर के आते हैं, खाना खिलाते हैं उनको, और उनको बोलते हैं कि तुम जो है मेरे कमंडल में से इसी मसीह पानी पी लेना और तुम रेस्ट करो, हम कल बात करेंगे। तो फिर वो उस वक्त सो जाते कि वो बहुत थके हुए होते हैं, और फिर जब वो नेक्स्ट डे उठते हैं तो बाबा जी उनको ब्रह्म मुहूर्त में जगा देते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग ध्यान करते हैं, और वो उस वक्त उनको योग की प्रैक्टिसेस देते हैं, उनको दीक्षा देते हैं। और उस दीक्षा के बाद में वो उनको बोलते हैं कि अब जो है तुम इस चीज को भी सीख लो, अब तुम्हें यही रहना है, तुम्हें अब मैं यही रखने वाला हूँ, तुम्हारी खोज खत्म हुई है और तुम्हें इन चीजों को सीख लेना चाहिए, जैसे कि नदी से पानी लेकर के आना और अग्नि जलाने के लिए हवन के लिए जो है ना लकड़ियां इकट्ठी करना, इस तरह की चीजें। तो वो बाबा जी के साथ में रह के बहुत खुश थे, उनको लग रहा था कि बस अब उन्हें उनका सब कुछ मिल गया है, और वो डेली के अपने जो भी रूटीन रहते हैं उन रूटीन को भी करते थे। और बाबा जी उनको सिर्फ सुबह एक बार नाश्ता कराने के बाद में हल्का सा फ्रूट्स का उनको वो योगी की प्रैक्टिसेस बताया करते थे और उनको ध्यान सिखाया करते थे, और उनको बोलते थे कि अभी तुम्हारी जो एकाग्रता की जो पावर है वो सिर्फ 1 घंटे की ही है, तो जरूरी है कि जो भी मैं तुम्हें ज्ञान दूं उसको पचाना भी जरूरी है। इस तरीके से वो उनको सिर्फ 1 घंटे की नॉलेज देते हैं, और धीरे 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 जैसे जैसे श्री एम इन चीजों को समझने लायक हो जाते हैं तब वो उनको आगे की और चीजें बताते हैं। ये तो उनका बाबा जी के साथ में उस गुफा का एक्सपीरियंस है। अब उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगी आगे कि बाबा जी जो है महेश्वरनाथ बाबा जी वो उनको अग्नि का महत्व बता रहे होते हैं
और उनको बहुत बता रहे होते हैं कि हम जो योगीज होते हैं तो उनकी प्रैक्टिसेस में ये जो अग्नि को जलाना है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उन्होंने कहा कि तुमको पता है कि हम अग्नि की पूजा क्यों करते हैं? तो श्री एम अपने तरीके से आंसर देते हैं कि वो अग्नि बहुत जरूरी है, हम उस पर खाना बना सकते हैं, हमारी रक्षा करती है, रोशनी देती है। तो बाबा जी बहुत हंसते हैं और उनकी जो कॉन्वर्सेशन होती थी वो बहुत ईजी गोइंग होती थी, तब सीरियस नहीं होती थी। तो बाबा जी उनको बताते हैं कि जो ये अग्नि है वो सिर्फ इसीलिए नहीं है, अग्नि को पवित्र देवता इसलिए माना जाता है क्योंकि अग्नि में सब कुछ समाविष्ट कर लेती है अपने अंदर, हमारे अंदर के जितने विकार होते हैं, जितने दोष होते हैं, उन सबको अग्नि जला करके शुद्ध कर देती है, पवित्र कर देती है। तो बोलते हमारे संप्रदाय में धुनी को जलाना जरूरी होता है और जो ये आग की लपटें रहती हैं वो जब हम उसको देखते हैं तो हमारा मन जो है वो इसके अंदर विलीन हो जाता है और इस तरीके से हम शून्य स्टेट में चले जाते हैं। तो बाबा जी उनको समझा रहे होते हैं कि सिर्फ अग्नि ही, सिर्फ ये आग ही अग्नि नहीं है, हमारे अंदर भी एक अंतर अग्नि है। और जैसे कि प्यार होता है उसकी अग्नि होती है, प्यार की अग्नि होती है, हम जो इमेजिनेशन करते हैं वो भी एक आग के जैसी होती, फायर के जैसी है, और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो जिनको हम फायर का नाम बोलते हैं। हमारे पेट के अंदर जो हमारा पाचन तंत्र है वो भी एक अग्नि ही है। तो अग्नि जो है वो संसार को चलाने के लिए बहुत रूपों में काम करती है। तो बाबा जी उनको बोलते हैं कि हमारे अंदर जो अंतर अग्नि है उसको कुंडलिनी बोलते हैं और वो ये कहते हैं कि जब आप उस अग्नि को देखते हो और जब आपका मन उसमें शून्य हो जाता है, मिल जाता है, तब आपकी अंतर अग्नि जो है वो अपने आप जलने लग जाती है। और इस तरीके से जब वो पर्सन की अग्नि अंदर से जलने लग जाती है और वो ऊपर उठती है तब वो सहस्रार कमल में जाकर के मिल जाती है, जो अग्नि की लपटें होती है हमारे अंदर की, जिसको कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। और इस तरीके से कोई भी इंसान इस प्रैक्टिस से भगवान बन सकता है। अब वो उनको बता ही रहे होते हैं कि वो फिर उनको बोलते हैं कि बाबा जी मैंने आपको देखा है कि आप रात में सोते भी नहीं है और सिर्फ धुनी को देखते रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि धुनी को देखने से जो है ना उनको एनर्जी मिलती, शक्ति मिलती है, और जो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स थक जाते हैं अपने शरीर के काम से, मन के काम से, वो उन लोगों को थकान नहीं होती है। तो वो बोलते हैं अग्नि की लपटों को बोलते हैं कि देखो, श्री एम को बोलते हैं कि देखो तुम ध्यान से इन आग की लपटों को देखो, और वो उनको ऑर्डर देते हैं तरीके से कि ओ आग की लपटें तुम अपना आवेश दिखाओ। और इस तरीके से वो आग की जो लपटें होती हैं वो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ती जाती हैं। श्री एम को डाउट होता है कि ये हवा चल रही है ठंडी, इसकी वजह से अग्नि तेज की मतलब उसकी लौ जो है ज्यादा तेज जा रही है। लेकिन वो देखते हैं कि बीच में से एक लौ की जो फ्लेम होती है अग्नि की, जो धुनी जलाई होती है, वो बहुत ऊंचे पेड़ के जितनी चली जाती है। और अब वो बोलते हैं कि तुम जो है अपनी अग्नि को बोलते हैं कि अपनी पवित्र अग्नि से इस बालक की नाभि को छुओ। अब बाबा जी के कहने से वो अग्नि जो है तुरंत पलक झपकते ही उसको उनकी नाभि को टच कर देती है। और फिर उसके बाद जो होता है, श्रीयम बताते हैं कि ऐसा लग रहा था कि उनका पूरा शरीर जल रहा है, बुरी तरह से जल रहा है, और कोई तो है एक अंदर से जो आग है, अग्नि है, वो ऊपर की तरफ जा रही है रोशनी, और ऊपर सहस्रार कमल में जाकर के प्रकाश के छोटे छोटे पुंज में जाकर के बिखर जाती है। और उसके बाद में जो उनको एक ठंडक और एक जो आनंद की अनुभूति होती है वो उसके बाद बहुत गहरे ध्यान में चले जाते हैं और बोलते हैं कि अब तक जिन आयामों तक वो नहीं पहुंचे थे वो उन आयामों तक वहां पे जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, और वहां से अपने क्वेश्चंस के आंसर लेकर के आते हैं जो वो बहुत टाइम से अपने मन में रखे हुए थे। फिर उसके बाद में उनको बाबा जी बोलते हैं कि बस बस अब तुम वापस आ जाओ, अब आज के लिए इतना ही काफी है। तो इस तरीके से ये उनकी कुंडलिनी जागरण का एक चैप्टर है, जो एक्सपीरियंस है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। इसके अलावा जब वो बाबा जी के साथ में ट्रैवल करते थे, बाबा जी एक जगह नहीं रहते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह विजिट करते रहते थे, घूमते रहते थे। तो इस बीच में जो श्री एम थे वो बाबा जी के साथ चलने की प्रैक्टिस करते थे, पर बाबा जी बहुत तेज चलते थे और वो बीच बीच में श्री एम को रेस्ट करने का भी टाइम देते थे क्योंकि उनको प्रैक्टिस नहीं थी इस चीज की। और फिर उसके बाद में जब वो और जगह पे विजिट कर रहे थे तो उसके बाद वो एक
थुम्मो तकनीक के बारे में उनको पता चलता है। एक बार क्या होता है, बाबा जी केव में ही रहते हैं और उनको बोलते हैं कि जाओ आज कुछ नहीं करना और तुम बस ऐसे ही जाओ और आज तुम फ्री हो और आज तुम कहीं भी विजिट करके आ सकते हो। और इस तरीके से जो श्री एम थे वो निकल जाते हैं घूमने के लिए और ऐसे करके वो बहुत ऊंचाई पे जा करके और कुछ केव में पहुंचते हैं। अब वो केव में पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं कि बुद्धिस्ट जो लामा होते हैं वो वहां पे मेडिटेशन कर रहे होते हैं और वो भी अग्नि जलाए हुए होते हैं। तो वो इस चीज को देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि मतलब उनको डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन वो जान जाते हैं कि श्री एम आए हुए हैं। अब वो बोलते हैं कि आओ, मुझे पता है कि तुम आ गए हो। तो उसने बोला आपको कैसे पता है? बोलते मुझे पता है कि तुम महेश्वरनाथ बाबा जी के शिष्य हो और तुम यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आए हो। तब वो उनको बोलते हैं कि बहुत जिज्ञासु होते हैं और बाबा जी साथ नहीं होते, तो वो उस चीज का मौके का फायदा उठाते हैं कि बाबा जी के साथ में इतने सारे क्वेश्चंस मैं नहीं पूछ सकता, तो मैं अकेला हूँ तो उनसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछूंगा। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप बिना कपड़ों के इतनी ठंड में, इतनी बर्फ की चोटियों में आप कैसे रह पाते हो? तब वो उनको बताते कि एक थुम्मो तकनीक होती है जो कि महेश्वरनाथ बाबा जी ही तुमको बताएंगे। वो प्रैक्टिस करने से हमारे नाभि में जो अग्नि तत्व होता है वो जल जाता है, जागृत हो जाता है, और जिसकी वजह से हम अपने शरीर को गर्म रख पाते हैं। और ये इतना भी गर्म हो जाता है कि अगर तुम गीले कपड़े भी पहन लो तो भी वो उसको भी सुखा देता है। तो इस टेक्निक से सारे योगी जो है ना हिमालय में बर्फ की चोटियों में भी बिना कपड़ों के रह पाते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये टेक्निक मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, तुम्हारे गुरु ही तुमको सिखाएंगे। और इसके अलावा वो उनसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या अर्थ के अलावा और भी ऐसे लोग हैं जहाँ पे लाइफ है, या वो यहाँ पे भी आते हैं एलियंस के बारे में? तो वो उनको बताते हैं कि हाँ, मतलब जो कैलाश पर्वत का जो एरिया है वहां पे तिब्बत में बताते हैं कुछ ऐसी गुफाएं हैं आज भी जहाँ पे प्राचीन जो एक प्रजातियां थी जो विलुप्त हो चुकी हैं, जो बहुत छोटे शरीर के होते हैं, कद के होते हैं, और उनका सर हमारे सर से बड़ा होता है और वो ग्रे कलर के होते हैं, वो और किसी तारामंडल से आए हुए हैं जो कि आज भी वहां पे रह रहे हैं। और इस तरीके से काफी सारी प्रैक्टिसेस के बारे में वो उनसे पूछते हैं। अब वो उनसे ये पूछते हैं कि क्या हिम मानव भी होते हैं, यानी येति जो होते हैं, क्या येति सच में होते हैं? तो जो तिब्बती लामा है उनको बताते हैं कि बद्रीनाथ से जब कैलाश की तरफ आप जाते हो तो वहां पे एक सीक्रेट प्लेस है जहाँ पे लोग नहीं विजिट करते हैं, वो बंद कर दिया गया है, सिर्फ योगी जी उस रास्ते से जाते हैं, और वहां पर येति को देखा गया है। और इसके बारे में वो बोलते हैं कि बाबा जी जो है ना वो इस सब के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ पे उनकी वो कॉन्वर्जेशन थी उस लामा के साथ खत्म होती है और वो वापस आते हैं और महेश्वरनाथ बाबा जी बोलते हैं कि तुमने तो एक बार में काफी सारे क्वेश्चन पूछ लिए। तो वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि बाबा जी को कैसे पता कि मैंने क्या क्या पूछा है। तो वो उनके लिए बहुत ही रहस्यमय चीज होती है कि मैं कुछ भी करता हूँ बाबा जी को पता कैसे चल जाता है। फिर उसके बाद में जब बाबा जी उनको शिक्षा दे रहे होते हैं तो वो अब उनका ये जो चैप्टर है इसमें बताया हुआ है कि बाबा जी उनको किन किन चीजों के बारे में स्टडी करने को बोलते हैं। इससे बहुत सारी चीजें रिलेट करती हैं हमारे PSSM से, जैसे कि पथरी सर बोलते हैं कि स्वाध्याय करना चाहिए, हमें स्पिरिचुअल अच्छी अच्छी बुक्स रीड करना चाहिए, सज्जन सांगत्य करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। श्री एम की जर्नी में ये तीनों चीजें उन्होंने की हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुरु मिल जाने के बाद में सिर्फ गुरु ही उनको ज्ञान दे रहे हैं, गुरु के अलावा भी उनके खुद मास्टर ने उनको बोला है कि तुम उपनिषद है, वेद है, पुराण है, और आदि शंकराचार्य की जो बुक्स हैं और पतंजलि योग सूत्र हैं, उन सब की स्टडी करो और इन सब से तुम्हें उनके दर्शन का पता चलेगा जो कि तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में काफी हेल्प करेगा। और इस तरीके से कि आदि शंकराचार्य के गुरु जो थे उन्होंने मांडुको उपनिषद की रचना की थी, उन्होंने उसको वो पढ़ने पर ज्यादा जोर दिया। अब उस चीज से उनको क्या समझ में आएगा, उससे हमारे जो विचार होते हैं, हमारा जो मन होता है, उसकी स्टडी जो है ना उससे समझ में आएगी। तो उन्होंने काफी सारे उपनिषद वो पढ़ते भी थे और उनके गुरु भी उनको प्रैक्टिकली बताते थे और वो लोग काफी उस टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते थे जो कि उनके रात में हुआ करते थे काफी लंबे लंबे। इसके बाद जो मास्टर हैं महेश्वरनाथ बाबा जी, वो उनको ये भी बताते हैं कि जिस भी पर्सन का जन्म
मतलब मानव के थ्रू हुआ है, वो एक ना एक दिन इस बॉडी को जरूर वैकेट करेगा। और वो अपने आप को वो बताते हैं कि मैं महेश्वर नाथ, मैं भी एक ना एक दिन इस बॉडी को वैकेट कर दूंगा, लेकिन जब तक मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं अपने शरीर को सही सलामत रख सकता हूँ। तो इस वाली बात से जो श्री एम थे वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और रोने से लग जाते हैं कि मेरे गुरु हैं आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं, मैं कैसे रहूंगा आपके बिना। तो वो महेश्वरनाथ बाबा जी उस वक्त उनको बहुत डांट लगाते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम्हें तुम्हारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए किसी भी गुरु के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु तुम्हें सिखाते हैं लेकिन तुम गुरु के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है जो कि तुम्हें खुद करनी होती है। और वो बोलते हैं कि मेरे अलावा जितने भी मास्टर्स हैं, यहाँ तक कि श्री गुरु बाबा जी भी, और जब तक उनका उद्देश्य सफल नहीं हो जाता है तब तक वो इस बॉडी में है, जब उनका उद्देश्य सफल हो जाएगा तो वो भी अपने शरीर को त्याग देंगे। तो इस वाली बात पर जो श्री एम है वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और उनका जो ये सपना था कि वो हमेशा अपने गुरु के साथ रहेंगे उस वक्त वो स्टॉप हो जाता है। और उनको एक नया नॉलेज मिलती है, एक नई चीज सीखने को मिलती है कि अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए गुरु के ऊपर डिपेंड होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब एक स्टोरी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी हिम मानव की, यानी कि येती होते हैं या नहीं होते हैं। श्री एम बताते हैं कि जब वो बाबा जी के साथ कैलाश जा रहे थे और उस वक्त वहां पे रास्ते में उनको एक जगह पड़ती है, वहां पे वो रुकते हैं और कुछ टाइम वहां स्टे करते हैं, मतलब वो पैदल यात्रा होती है। और इस चीज में एक और चीज बताइए कि जो केदारनाथ और बद्रीनाथ है वो रियल के केदारनाथ और बद्रीनाथ नहीं है, मतलब वो यात्रियों की सुविधा के लिए वहां पे स्थापित किए गए हैं, लेकिन जो रियल और बद्रीनाथ और केदारनाथ हैं वो बहुत ही सीक्रेट प्लेसेस पे हैं जहाँ पे लोग नहीं जा सकते। और इस तरीके से वो अपने गुरु के साथ वो बद्रीनाथ तक पहुंच जाते हैं और कैलाश तक जाते हैं केदारनाथ तक, जो कि सीक्रेट प्लेसेस से होकर के गुजरता है। तो बीच में उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और वो वहीं पे रुक जाते हैं, और ये वही रास्ता है जो बंद कर दिया गया था क्योंकि वो बहुत डेंजरस है। अब वहां पर जब वो टेंट लगा करके सोते हैं तो वो श्री एम बताते हैं कि मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मुझे अचानक बुखार आ जाने की वजह से वो बाबा जी और वो आगे का यात्रा नहीं कर सके। और वो बताते हैं कि जब वो सो रहे थे तो वहां पे बहुत ज्यादा हिम मानव की या इस तरह की बहुत खूंखार जैसी आवाजें आ रही थी। तो बाबा जी बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम सो जाओ और ये जो हिम मानव जो तेंदुए टाइप के हैं वो गोरिल्ला वो उनका शिकार कर रहे हैं। और फिर भी श्री एम को बहुत आवाजें आती हैं और जब वो पास में लालटेन ला करके अपने टेंट की तरफ जाते हैं कि इतनी आवाजें क्यों आ रही है, तो वो देखते हैं कि एक हिम मानव यानी येती जो है उनके पास में आता है और जल्दी से उनके मुंह में कुछ गीला सा लिक्विड कुछ डाल करके और जल्दी से भाग जाता है। और वो इस इंसिडेंट से बहुत डर जाते हैं और उनके साथ में जो उनका सेफ्टी का एक पर्सन रहता है जो कि नेपाल से उनके साथ चल रहा था रास्ते में, वो एकदम से भाग करके आता है। वो देखता है कि आजू बाजू कोई नहीं होता, लेकिन ये श्री एम की फर्स्ट मीटिंग होती है जो कि लाइव होती है एक हिम मानव के साथ में। तो मतलब ये एक क्वेश्चन रहता है कि आज के टाइम में भी ये चीज होते हैं या नहीं है, ये श्री एम ने क्लियर कर दिया है कि होते हैं और कुछ जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो उनको देख भी चुके हैं। और ये जो हम लेह लद्दाख जाते हैं या तिब्बत जाते हैं उधर साइड में और कैलाश मानसरोवर की साइड के जो पुराने रूट्स हैं जो बंद कर दिए गए हैं वहां पर उनको मतलब मिलते हैं, वहां पे उनको देखा गया है। अब एक बार जो श्री एम है वो पूछते हैं बाबा जी से कि बाबा जी आपकी उम्र कितनी होगी, तो बाबा जी बोलते कि तो मेरी उम्र जान करके क्या करोगे, तो बोलते कि नहीं फिर भी मुझे जानना है कि आपकी उम्र कितनी है। तो बाबा जी उनको बताते हैं महेश्वरनाथ बाबा जी कि जब लाहड़ी महाशय महावतार बाबा जी की केव तक लाए गए थे तो उनको जो योगी लेके गए थे उनकी केव तक, वो जो योगी लेके गए थे वो महेश्वरनाथ बाबा जी ही थे। तो अब वो श्री एम इतना शॉक्ड हो जाते हैं कि बाबा जी आपके तो एज करीब 200 साल है लेकिन आप तो लगते ही नहीं है, आप तो बिल्कुल 19-20 साल के लड़के जैसे दिखते हैं। तो वो बोलते थे कि हाँ अब अगर हम अपने ऊपर संयम रखें और कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो उससे हम अपने आप को
जितने टाइम तक चाहे उतने टाइम तक यंग रख सकते हैं। तो जब पहली बार इस चीज का पता चला तो मैं भी शॉक्ड हुई कि मतलब श्री एम इतने महान गुरु के साये में और इतने टाइम तक उन्होंने स्पेंड किया। लेकिन ये जितनी जर्नी मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ 3.5 साल तक की है। मतलब 3.5 साल में उन्होंने बाबा जी से जो कुछ भी सीखा वो पूरी लाइफ के लिए सफिशियंट था। उसके बाद में जब वो केदारनाथ जाते हैं बाबा जी के साथ में, तो केदारनाथ का इंसिडेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इस चीज को मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि जब वो केदारनाथ जाते हैं तो केदारनाथ वो पूरा पहुंचे नहीं होते हैं, वहां रास्ते में होते हैं। ये केदारनाथ सीक्रेट प्लेस वाला है जो लोगों को नहीं पता है। अब वहां पर जो बाबा जी हैं वो कुछ टाइम के लिए एक केव में रुकते हैं और उनको बोलते हैं कि अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। 7 दिन रुकने के बाद बोल देते हैं कि मुझे 2-3 दिन के लिए कहीं जाना है लेकिन तुम यही रुकोगे और यहाँ पे 3 लोग आएंगे जो तुमको लेकर के जाएंगे और तुम्हारे बहुआयामी जो स्तर है जो वहां का एक पोर्टल है उसको खोलने के लिए कुछ तुम्हारे साथ कुछ प्रोसेस करना है और वो बहुत ही सीक्रेट लोग होंगे, गुप्त लोग, और तुम्हें कुछ कोड वर्ड बताया जाएगा। उस कोड वर्ड को सुनने के बाद में तुम उनके साथ चले आना। अब श्री एम तब तक तुम रेस्ट करो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कोई स्टडी नहीं करनी, तुम सिर्फ रेस्ट करो। अब 3 दिन के बाद में जब वो 3 लोग उनके पास में आते हैं तो वो बताते हैं कि वो काफी वाइट होते हैं, गोरे वर्ण के होते हैं और उन्होंने अपने गले में एक हरा पट्टा मुंह पे बांधा हुआ होता है जिससे कि उन्हें पहचान ना पाए। उनके बाल कंधे तक रहते हैं और बहुत सुंदर होते हैं, व्हाइट कलर की धोती पहने होते हैं और एकदम मतलब यंग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। तो वो 3 लोग उनके पास में आते हैं और वो बोलते हैं कि हम तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं और वो बोलते हैं कोड वर्ड। तो वो जो जैसे इनको कोड वर्ड बताते हैं तो कोड वर्ड बताने के बाद में जो है वो उनके साथ में चले जाते हैं। अब होता क्या है कि वो बताते हैं कि ये मुझे उस रास्ते से लेकर के जा रहे थे गुफा में, सीक्रेट गुफा में, जहां पे आदि शंकराचार्य ने महावतार बाबा जी से मिलने के लिए जो रास्ता चूज किया था, गुप्त रास्ता, ये उस गुप्त रास्ते से उनको लेकर के जाते हैं और वहां से क्रॉस करने के बाद में आगे कहाँ गुफा है वो पता ना चले इसके लिए उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और वो उनको उस गुफा में लेकर के जाते हैं। लेकिन श्री एम ये बताते हैं कि जितना उन्होंने प्रैक्टिसेस की थी और जितना उनको सेंस समझ में आते थे वो उनको किसी अंदर की गुफा में लेकर के जाते हैं जो जमीन के अंदर रहती है, क्योंकि अचानक से हवाओं का चलना बंद हो जाता है और एकदम शांत और ठंडा जो बाहर रहता है वो एकदम गर्म गर्म में फील हो जाता है। इससे उनको पता चला था कि किसी अंदर गुफा में उनको लेके जाया जा रहा है। और जब अंदर जाकर के उनकी पट्टी खोली जाती है तो वो देखते हैं कि जो उनके महेश्वरनाथ बाबा जी थे वो वहीं थे और इस बात पे वो राहत की सांस लेते हैं। तो वो बोलते हैं कि अरे तुम आ गए हो और जल्दी जल्दी सारे प्रोसेस करने, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा है कि अगर हमने इस टाइम पर तुम्हारे साथ प्रोसेस नहीं किया तो तुम्हारे जो बहुआयामी जितने भी जो पोर्टल्स होते हैं उनको खुलने में तुम्हें कई जन्म और लेने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में वो उनको एक प्रोसेस में लेकर के जाते हैं और उनको एक ग्रीन कलर का लिक्विड पीने को देते हैं और जिससे कि वो लिक्विड पीने के बाद में उनको थोड़ा सा नशा जैसा हो जाता है और उनको बैक साइड में पीछे की तरफ एक जगह होती है खाली पट्टी टाइप में, वहां पे उनको लिटा दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि अब जो है तुम जल्दी से अपनी बॉडी में से अपनी सोल को बाहर निकलने का ऑर्डर दो। और जब तक वो इस प्रैक्टिस को सीख चुके होते हैं और जैसे ही वो उनको ऑर्डर देते हैं कि बॉडी में से बाहर निकलो तो वो देखते हैं कि बाबा जी कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं जो कि बहुत दूर से आवाज आ रही होती है। और उसके बाद जब वो देखते हैं कि उनकी बॉडी में से उनकी सोल जो है वो निकल करके गेट के पास आके खड़ी हो गई है और वो अपने साथ ही प्रोसेस होते हुए देखते हैं और वो बताते हैं कि जब वो प्रोसेस हो रहा होता है तो जो दो व्यक्ति होते हैं वो उनके कान के पास में कुछ तो गोल रखते हैं और एक गोल्डन तार निकाल करके उनके कान के बीच में डाल देते हैं और जिससे उनका पूरा बॉडी जो है बहुत शिवरिंग करने लग जाता है और अलग तरीके से उनके बॉडी मूवमेंट होने लग जाते हैं। किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते इस तरीके से उनकी बॉडी करने लग जाती है जिसको देख के वो डर जाते हैं। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद वो नॉर्मल होते हैं और फिर जब वो बाबा जी दोबारा उनको उनकी बॉडी में बोलते हैं जाने के लिए वो फील करते हैं कि उनको असहनीय दर्द हो रहा होता है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है उनकी बॉडी में, ऐसा लग रहा होता है कि पता नहीं उनको वो बच भी पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। उनका पूरा शरीर आग से जल रहा होता है भयंकर तरीके से। फिर बाबा जी कुछ साउंड निकालते हैं जिससे उनका पेन जो है धीरे धीरे कम होने लग जाता है
और श्री एम को जैसी होश आता है तब वो उनको बधाई देते, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते कि तुम्हारा नया जन्म हुआ है। अगर ये प्रोसेस अगर नहीं होता आज तो बहुत ज्यादा और टाइम लग जाता था। तो उसके बाद में बोलते कि अब तुम्हारा नया जन्म हुआ है, और उसके बाद वो देखते हैं कि उनका देखने का नजरिया कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, चीजों को फील करना, देखने का नजरिया बहुत कुछ बदल जाता है। और बाबा जी कहते हैं कि जिस तरह से एक नया शिशु का जन्म होता है और वो फिर से चलने की प्रैक्टिस करता है, चीजों को सीखने की प्रैक्टिस करता है, सेम वही चीज तुम्हारे साथ होने वाली है अब, और तुम्हें तुम्हारा नया जन्म की मतलब बधाइयां हो, मुबारक हो, और तुम्हें अभी फिर से खड़े होने में और चीजों को समझने में वक्त लगेगा, और जो कि नेचुरल है। इस तरीके से उनका जो ये प्रोसेस था वो कंप्लीट होता है। उसके बाद में वो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के एक और स्टेप ऊपर चले जाते हैं, यानी कि जो मल्टी डायमेंशनल पोर्टल्स होते हैं जो कि हम मेडिटेशन में एक्सपीरियंस करते हैं वो उनके खुल जाते हैं। उसके बाद वो इजिली कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं और कहीं से भी नॉलेज लेकर के आ सकते हैं। और उसके बाद एक और चैप्टर है जिसमें वो बताते हैं नागलोक के बारे में। ये चैप्टर यही फिनिश होता है उनका, जो उनकी कुंडलिनी अवेक होती है उसका। अब वो जो चैप्टर है उसे बताते हैं नागलोक के बारे में। वो बताते हैं कि एक बार वो केव में बाबा जी के साथ ही थे और डेली की प्रैक्टिसेस और रूटीन चल रहा था। एक बार वो रात में सो जाते हैं, और मोस्टली क्या होता है श्री एम केव में जाके सो जाते थे खाना खा के ध्यान करके, लेकिन बाबा जी सोते नहीं थे। उन्होंने उनको शायद ही कभी सोते हुए देखा होगा, और अगर वो लेटते भी थे तो वो जगे हुए रहते थे। तो वो देखते हैं कि हर बार की तरह से बाबा जी जो है वो अग्नि के सामने मई सामने देख करके ही एकटक बैठे हुए होते हैं बिना हिले, और श्री एम सो जाते हैं। वो देखते हैं कि अचानक से बिजली कड़कनी या बादल की गरजने की बहुत तेज साउंड आता है, और एक बहुत तेज प्रकाश आता है, और उस प्रकाश में से एक गोला उतरता है लाइट का, बहुत बड़ा गोला और बहुत बड़ी आवाज के साथ में, जिससे कि श्री एम की नींद खुल जाती है। और जब वो देखते हैं कि वो जो गोला था वो बाबा जी के सामने अग्नि के सामने रुक जाता है और वो खुलता है, तो उसमें से एक बहुत बड़ा नाग निकलता है। तो वो बोलते कि मैं तो उस चीज को देख करके एकदम डर गया था कि ये हो क्या रहा है, लेकिन वो चुपचाप बिना कुछ कहे वहीं लेटे लेटे सब कुछ देख रहे थे। और वो देखते हैं कि वो बहुत बड़ा सा ब्लैक कलर का नाग था, और उसकी आंखें पर्पल कलर की ट्रांसपेरेंट थी, बिल्कुल कांच के जैसी है, वो इतना चमक रहा था। और वो कुछ उसने झुक करके बाबा जी को नमन किया, और बाबा जी ने अपने हाथ से उसको आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद में जो नाग था वो कुछ फुसफुसा के, वो लोगों की बातचीत हो रही थी और वो लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे थे जैसे हम लोग करते हैं, वो कुछ हिंट्स में कुछ इशारों में एक सीक्रेट लैंग्वेज में बात कर रहे थे। तो फिर बाबा जी ने श्री एम को बुलाया कि तुम अंदर से आओ, श्री मतलब उनको बुलाया। तो वो अंदर से बाहर आते हैं और वो बोलते हैं कि ये देखो ये नाग लोग के उपनायक है, इनसे तुम मिलो। तो वो बहुत डर जाते हैं, और जो नाग जो आते हैं वो उनके सर पे जो है ना अपना फन रख देते हैं, और उस चीज से वो बहुत डरे हुए होते हैं, लेकिन निश्चिंत भी होते हैं कि बाबा जी मेरे साथ में हैं। तो वो उसके बाद में मीटिंग उनकी खत्म होती है, और वो फिर से उसकी आँख के वो जो गोला होता है लाइट का उसे बैठ करके वो रोशनी फिर से स्काई में चली जाती है, बादल में, और जा करके गायब हो जाती है। तब श्री राम पूछते हैं कि ये कौन थे, तब वो बताते हैं कि हमारी गैलेक्सी जो है उसके जैसी और भी गैलेक्सी हैं, वहां पे गैलेक्सी है उसमें एक लोक है जो कि नाग लोक है, और वहां पे ये नाग सारे के सारे जितने हैं वो वहीं पे रहते हैं, और यहाँ के ये स्पिरिचुअल मास्टर हैं, और ये वहां कुछ सलाह मशवरा करने के लिए मेरे से आए थे। उनके वहां पे कुछ डिस्कशन हो रहा था किसी चीज का, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकला था, सॉल्यूशन पूछने के लिए मेरे पास आए थे। तब उनको बताते हैं कि जो शिरडी साईं बाबा हैं, एक बार वो भी 3 दिन के लिए गायब हो गए थे। तो वो बताते हैं कि जब शिरडी साईं बाबा 3 दिन के लिए गायब, मीन्स उनकी बॉडी थी लेकिन वो एस्ट्रली विजिट कर रहे थे, गए हुए थे, 3 दिन बाद अपनी बॉडी वापस आए थे। तो बताते हैं कि उस वक्त शिरडी साईं बाबा भी नागलोक ही गए हुए होते हैं वहां पे मुद्दे को सुलझाने के लिए। तो इस तरीके से उनका जो ये नागों के बारे में बताना था वो आगे ही रहता है कि वो बोलते हैं कि अब जो नाग हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि एक टाइम पे जो मानव सभ्यता थी वो बहुत उन्नत थी आध्यात्मिक दृष्टि से, और जो नाग लोग के नाग थे वो यहाँ पे आकर के उनको काफी टीचिंग्स देते थे, सिखाते थे, बहुत सारी प्रैक्टिसेस उनको बताई थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मानव के पास में शक्तियां आने लग गई तो उन्होंने उनको हटाने का सोचा और उनके साथ चीटिंग कर लिया,
इस तरह से जब उनके साथ उनको लगा कि अब मानवता जो है ना मतलब शुद्ध नहीं रही है, दूषित हो गई है, तो उन्होंने यहाँ से चले जाने का निर्णय लिया। और उस वक्त उन्होंने सारे नागों को ये आदेश दिया कि सभी लोग इस समय नागलोक चलें, और जो नाग उनके साथ उस वक्त रेडी थे जाने के लिए वो सारे चले गए। उसके बाद से उन्होंने ह्यूमन से अपना कनेक्शन हमेशा के लिए कट कर लिया और वो नागलोक में चले गए। अभी भी जो नाग है वो उन्हीं लोगों के कॉन्टेक्ट में है जो बहुत हाईली स्पिरिचुअली अवेक हैं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, इस तरह के योगीज हैं, उनके साथ में वो अभी भी कनेक्टेड हैं। और जो यहाँ पे बचे हुए थे वो काफी बूढ़े नाग थे और उन्होंने ये सोच करके नहीं गए कि अब हम क्या करेंगे जा करके, तो जितनी भी हमें प्रजातियां नाग की देखने को मिलती है वो उन्हीं के वंशज हैं जो बूढ़े यहाँ पे रह गए थे, जिन्होंने नहीं जाने का डिसीजन लिया था। तो लेकिन अब वो स्पिरिचुअली ग्रो नहीं है, वो उनके पास वो शक्तियां नहीं है जो थे, वो यहाँ से जा चुके हैं। इसके बाद में वो उनको बताते हैं कि श्री गुरु जो बाबा जी थे उनके दर्शन उनको कब होते हैं। ये बात है जब वो एक डिस्कशन उनके साथ में चल रहा था कि वो महेश्वरनाथ बाबा जी उनको समझा रहे थे कि जब तुम यहाँ से फिर से संसार में वापस जाओगे तो तुम्हें लोगों को क्रिया योग की दीक्षा देनी होगी, और क्रिया योग की दीक्षा के लिए कुछ 21 ऐसे पॉइंट्स थे जिनके ऊपर जो साधक है उसको खरा उतरना होता था या उसके अंदर होनी चाहिए थी। तो श्री एम डिस्कशन करते हैं कि बाबा जी इसको छोटा कर दीजिए क्योंकि 21 पॉइंट मिलना हर किसी में पॉसिबल नहीं है। तो वो बोलते हैं कि अच्छा अब शिष्य गुरु को समझाएगा, इस तरीके से बातचीत होती है। तब वो देखते हैं कि वहां पे जो गुफा रहती है वहीं पे तुरंत ही उसी वक्त जो श्री गुरु हैं मतलब महावतार बाबा जी वो एक प्रकाश के साथ में प्रकट होते हैं और दोनों उनको प्रणाम करते हैं। ये उनकी फर्स्ट मीटिंग होती है। वो बोलते हैं कि मैं तो उनका वर्णन बताते हैं कि मैं तो देखता ही रह गया था, बाबा जी इतने एकदम गोल्डन जैसे दिख रहे थे, उनकी जो प्रकार जो धोती पहने हुए थे सिर्फ वो भी एकदम गोल्डन जैसी दिख रही थी, बॉडी एकदम उनकी काया एकदम गोल्डन जैसी थी, और इतना सुंदर मैंने आज तक किसी भी व्यक्ति को अपनी लाइफ में नहीं देखा था। वो बाबा जी को नमन करते हैं और बोलते हैं महेश्वरनाथ बाबा जी से कि जो ये जो श्री एम थे मतलब ये सही कह रहे हैं, और समय के साथ साथ हमें अपनी प्रैक्टिसेस में कुछ बदलाव करने चाहिए और हमें इस लिस्ट को छोटा कर देना चाहिए क्योंकि ये बात सही है कि बहुत सारे लोग नहीं तो इससे वंचित रह जाएंगे, तो समय के साथ हमें बदलना चाहिए। और इस तरीके से वो इस लिस्ट को छोटा करते हैं और श्री एम को बोलते हैं हाथ रख के उनके कंधे पर कि तुम जो है बहुत ही स्पेशल काम के लिए यहाँ पर आए हुए हो और मेरा कुछ उद्देश्य है जो तुम्हारे थ्रू पूरा होना है। और महेश्वरनाथ बाबा जी को वो बहुत शुक्रिया करते हैं कि वो उनकी देखभाल कर रहे हैं। और जब मैंने हम आपको उनकी पास्ट लाइफ स्टोरी बताई थी, जो उनके गुरु थे वो डायरेक्ट श्री गुरु बाबा जी थे महावतार बाबा जी, लेकिन इस लाइफ टाइम में उन्होंने महेश्वरनाथ बाबा जी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी कि जब तक श्री एम इस योग्य नहीं हो जाते, तैयार नहीं हो जाते स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लेवल पे, तब तक वो ही उनका ध्यान रखेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। इस तरह से जो उनकी मीटिंग थी वो बहुत ही अच्छी रहती है, ब्लिसफुल रहती है, प्यार वाली रहती है। और जब कभी भी श्री एम उनको बोलते थे कि मुझे बाबा जी के दर्शन कब होंगे, जब उनके दर्शन नहीं हुए थे उससे पहले, तब तक महेश्वरनाथ बाबा जी उनको बहुत बुरी तरीके से डांट लगा दिया करते थे कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम महावतार बाबा जी से मिलो या श्री गुरु बाबा जी के दर्शन हो, सिर्फ दर्शन मात्र के लिए तुम ये नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हें अपने अध्यात्म की उन उच्च ऊंचाइयों तक पहुंचना है जिससे तुम ये समझ सको कि श्री गुरु बाबा जी का उद्देश्य क्या है और तुम्हें अपने आप को उच्च करना है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके। तुम्हारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि तुम बाबा जी से कब मिलोगे, और जब भी जरूरत होगी तो बाबा जी तुम्हें खुद दर्शन दे देंगे। तो इस तरीके से बाबा जी उनको कुछ टीचिंग्स बताते हैं कि अब तुम्हें वापस जाने का वक्त आ गया है, तुम 3.5 साल में काफी कुछ सीख चुके हो, अब तुम्हें फिर से संसार की दुनिया में वापस जाना है, जो कि श्री एम बिल्कुल तैयार नहीं थे, पर उन्होंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें संसार में ये मैसेज देना है कि स्पिरिचुअल अध्यात्म में ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए संन्यास लेना ही जरूरी नहीं होता है। जैसे कि लहाड़ी महाशय है, उन्होंने ये एक उदाहरण दिया कि संसारिक जीवन व्यतीत करते हुए बच्चे होते हैं होने के बावजूद भी कोई भी इंसान जो है वो अध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। तो श्री एम को उन्होंने बोला कि अब तुम्हें वापस जाना होगा, तुम्हें शादी भी करनी होगी, तुम्हारे 2 बच्चे भी होंगे, और तुम एक बार फिर यहाँ पे कैलाश मानसरोवर पे आप 50-60 लोगों के साथ में यहाँ पे यात्रा के लिए आओगे,
और उनको ये बोलते हैं कि कभी भी अपनी जो पावर्स है, स्पिरिचुअल पावर्स हैं, जो अलौकिक शक्तियां होती हैं, उनका कभी भी आपको दिखावा नहीं करना है, और कभी भी आपको बहुत ज्यादा शिष्य इकट्ठा करने के उद्देश्य से किसी को दीक्षा नहीं देनी है। जो गंभीर साधक हों सिर्फ उनको ही दीक्षित करना है, और हमेशा एक साधारण इंसान के जैसा ही अपना लाइफ स्पेंड करना है, और अपनी जो पावर्स है वो किसी को भी नहीं दिखानी है। क्योंकि अगर कोई पर्सन इस तरह की स्पिरिचुअल पावर सिखाता भी है, तो भी वो बोलते हैं कि मैसेज देते हैं कि अगर कोई आपको बताता है कि मेरे पास ये स्पिरिचुअल पावर्स है, तो आप वहां से दूर हट जाएंगे। क्योंकि स्पिरिचुअल जो पावर्स होती है वो संसारिक दुनिया के लिए नहीं होती है, वो आध्यात्मिक कामों के लिए होती है। इस तरह से उनको कुछ टीचिंग्स दे करके वो उनको वापस भेजते हैं। जैसे कि हमारे PSSM में पत्नी सर भी बोलते हैं कि संसार में ही निर्वाण है, आपको शादी जो है इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं करती है, और आपको वेजिटेरियन होना चाहिए, आपको स्वाध्याय करना चाहिए, सज्जन सांगत्य करना चाहिए, और आपको ध्यान की प्रैक्टिसेस रोज करनी चाहिए, आपको कोई किसी तरह के कोई वस्त्र नहीं धारण करने हैं, आपको संसार में रहते हुए नॉर्मल वस्त्र जो पहनते हैं हम लोग वही आपको पहनने हैं, कोई भी अलग से आपको अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं करना है इस चीज का। यही प्रैक्टिसेस बिल्कुल सेम थी उनकी और पतली सर की, तो इसके साथ में वो वापिस आते हैं। अब जब वो वापिस आते हैं अपने घर में, अचानक से वो देखते हैं कि अब मैं जाऊंगा तो क्या होगा मेरे घर में, सब लोग मुझे क्या कहेंगे। लेकिन जब वो अपने घर वापिस आते हैं और उनके फादर उनको देखते हैं, तो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि 3.5 साल तक कि तुम कहाँ थे, बिना कहे चले गए थे। वो उनसे कुछ नहीं कहते हैं और बस इतना ही बोलते हैं कि तुम्हारी माँ से जाकर के मिल लो। अपनी किचन में जाकर अपनी माँ से मिलते हैं, उनकी माँ उनको देखती है तो बहुत रोती हैं और उनसे कुछ शिकायत नहीं करती कि तुम कहाँ थे। अब की बस इतना बोलती है कि अब की बार तुम कहीं भी जाओ तो बता करके जाना, हम तुम्हें कहीं भी भेजने के लिए मना नहीं करेंगे, पर इस तरीके से मत जाना। और बिल्कुल उनको शांत कर देती है, बोलती है कि ठीक है अब तुम जाओ अपनी बहनों से मिल लो और खाना खा लो। इस तरह से वो अपनी सिस्टर से मिलते हैं, तो जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं जाऊंगा तो क्या होने वाला है, लेकिन वो सब कुछ बहुत ही स्मूथली गया। उनके पेरेंट्स ने उनको फिर से एक्सेप्ट किया और वो अपनी लाइफ में फिर से इजी गोइंग चल रहे थे, मतलब 10 महीने अपने घर में ही थे। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि बहुत टाइम हो गया मुझे बाबा जी ने कोई मैसेज नहीं दिया, तो उसी रात वो सो जाते हैं और बाबा जी को मैसेज करते हैं कि बाबा जी या तो आप मुझे मिलने के लिए बुला लो, नहीं तो मैं फिर से ब्यास गुफा में आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो उसी वक्त उनको बाबा जी बोलते हैं कि तुम्हारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो इसलिए नहीं बताई हुई है कि तुम मुझे ध्यान में डिस्टर्ब करो, और तुमको मिलना है ठीक है, तुम जो है ना अजमेर में ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वहां पे मुझे मिलो, मैं तुमको वहां पे मिलूंगा। तो इस तरीके से उनकी कॉन्वर्जेशन मेडिटेशन में नाइट में ही होती थी, उनको जो भी मैसेज देने होते थे वो उनको महेश्वरनाथ बाबा जी दे दिया करते थे, और इस तरह से वो लोग मीटिंग किया करते थे अपनी, कहाँ नेक्स्ट कहाँ मिलना है कहाँ नहीं मिलना है। उसके बाद में एक मैं आपको बताना चाहूंगी नीम करौली बाबा के बारे में, कि श्री एम नीम करौली बाबा से भी मिले थे, क्योंकि जब वो संसार में वापस आ रहे थे तो उनके उनके मास्टर ने बोला था कि तुमको किन किन गुरुओं से मिलना बाकी है। वो उनको नीम करौली बाबा का बताते हैं और जय कृष्णमूर्ति का बताते हैं कि जय कृष्णमूर्ति से तुम्हें जरूर मिलना है, क्योंकि तुम्हारा जो भविष्य में साथी होगा, जो तुम्हारी वाइफ होगी, वो तुम्हें वहीं पे ही तुमको मिलेगी, जय कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में ही मिलेगी। जय कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में भी उन्होंने काफी टाइम स्पेंड किया, जय कृष्णमूर्ति के साथ में किया, और वहीं पे उनकी जो वाइफ थी वो उनको मिली थी। बट उसके बीच का जो टाइम पीरियड था जब वो नीम करौली बाबा से मिले थे, तो वो बताते हैं कि जब वो कैची धाम गए थे तो नीम करौली बाबा जो है ना अपनी सभा लगा करके सबके साथ बैठे हुए थे, बहुत सारे फॉरनर्स थे जो उनके साथ बैठे हुए थे। अब वो बहुत भीड़ में पीछे की तरफ कहीं पे थे, अब उनके मन में एक थॉट आया कि इतने सारे लोगों के बीच में वो बाबा जी मुझे देखेंगे या नहीं, मैं उनसे मिल पाऊंगा या नहीं। तो इतना देर थॉट लाते ही नीम करौली बाबा जो है तुरंत उनकी तरफ देखते हैं, उनको इशारा करते हैं कि तुम इधर आओ, और वो बहुत तेज चिल्लाते हैं, वो मतलब महेश्वरनाथ बाबा जी का बच्चा आ गया है, और उनको तुरंत बुलाते हैं और गले लगाते हैं कसके, और वो इतना जोर से कसके लगाते हैं कि वो उनकी गोद में जाकर के बैठ जाते हैं, और वो बहुत खुश होते हैं, उनको एक एप्पल खाने को देते हैं। बोलते कि वो एप्पल जो है इतना सड़ा हुआ लग रहा था, पता नहीं कितने दिन का है, वो नहीं खाना चाहते, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो फेंक भी नहीं सकते थे। तो बोले जब मैंने खाया तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी खराब नहीं था, बिल्कुल फ्रेश एप्पल जैसा था। तो कुछ ऐसी मीटिंग की, और बाद में उनसे कुछ बात करने के बाद में वो उनको एक जोर से धक्का देते हैं कि मतलब वो बहुत दूर जाकर के गिरते हैं। तो ये उनकी मीटिंग रहती है नीम करौली वाली बाबा के साथ में। इसके अलावा साईं बाबा के साथ में जब वो अपने गुरु को
जब वो जय कृष्ण मूर्ति फाउंडेशन में थे, 10 महीने करीब उनको हो चुके थे, 1 साल, तो उन्होंने सोचा कि बाबा जी मुझे कोई मैसेज नहीं दे रहे फिर से, तो कोई एक योगी आते हैं अचानक से उनके पास में और बोलते हैं कि तुमको जो है ना शिरडी पहुंचना है और बाबा जी का मैसेज है और वो तुमको वहीं मिलेंगे, अब तुम जल्दी से निकल लो। तो वो मैसेज मिलते ही तुरंत शिरडी के लिए निकल लेते हैं। अब शिरडी पहुंच के उनको महेश्वरनाथ बाबा जी मिलते हैं। अब वो बोलते हैं कि चलो अब हम जो है ना साई बाबा से मिलने के लिए चलेंगे। तो साई बाबा शिरडी में जगह है, चावड़ी नाम है उसका, जहाँ पे साई बाबा सोते थे। तो वो उस जगह पे जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि वहाँ गेट बंद होता है, कुछ भी नहीं होता, कोई धुनी नहीं जल रही होती, मतलब कुछ नहीं होता वहां पे। तो वो कहते हैं हम अंदर कैसे जाएंगे उस प्लेस पे जहाँ साई बाबा सोते हैं। तो वो बोलते हैं कि ठीक है तो अपनी आंखें बंद करो। और महेश्वरनाथ बाबा जी कहते हैं कि बस अपनी आंखें मत खोलना। अब वो आंखें बंद करे रहते हैं और बाबा जी के साथ जब वो अंदर जाते हैं तो वो उनको गेट फील ही नहीं होता है, कर्टिन के जैसा फील होता है। अब वो उस गेट के क्रॉस पहुंच जाते हैं और जब वो बोलते हैं कि अपनी आंखें खोलो, जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो वो उस स्तंभ के अंदर आ चुके होते हैं जहाँ साईं बाबा सोते होते हैं। तो वो देखते हैं कि 6 फीट ऊंचा एक तख्ता है जहाँ साईं बाबा सोते थे और वहां पे साईं बाबा बैठे हुए हैं। उन्होंने साईं बाबा के लाइव दर्शन उन्होंने किए और वो देखते हैं कि साईं बाबा वहां बैठे हुए हैं, मतलब लेटे हुए हैं उस तख्ते के ऊपर। और जैसे ही बाबा जी आते हैं, वो बाबा जी को देख करके साईं बाबा तुरंत नीचे उतर करके आते हैं और बाबा जी से मिलते हैं। बाबा जी उनको प्रणाम करते हैं और वो बाबा जी को करते हैं, एक दूसरे को नमन करते हैं। तब वो बोलते हैं, वो एकदम खुली आंखों से दृश्य को देख के एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, मैं कैसे लाइव देख रहा हूँ, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि उनकी मूर्ति शिरडी में है। और वो बोलते हैं कि बस वो सर पे साफा नहीं बांधे हुए थे, बाकी अपना चोगा वही पहने हुए थे। और अब वो बाबा जी से मिलते हैं, बात करते हैं और वो उनसे भी बात करते हैं। तो श्री एम तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं, बिल्कुल मौन में चले जाते हैं कि ये हो क्या है। अब वो देखते हैं कि ये देखो ये शिरडी साईं बाबा है, इनसे मिलो। अब उनको नमन करते हैं, कुछ बातचीत होती है और फिर साईं बाबा उनको आगे के ट्रेवल के लिए कुछ पैसे भी देते हैं। अब वो मना करते हैं लेने के लिए, लेकिन महेश्वरनाथ बाबा जी कहते हैं सर रख लो, तुम्हारे आगे ट्रेवलिंग में काम आएंगे। तो बहुत सॉफ्ट और बहुत इजी तरीके से उन्होंने ऐसे बताया है जैसे कि सारी चीजें बहुत नॉर्मल वे में हो रही है। और जब मैंने ये पढ़ा था तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई थी कि मतलब ये कैसे हो सकता है। लेकिन फिर ये था कि जब योगी इतने महान है, इतने बड़े योगी हैं, और जब श्री एम इतने बड़े योगी के साथ में है, तो ऐसी चीजें भी, और अब मेडिटेशन करने के बाद में ये चीज फील होती है कि कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। बस हमारी स्टेट वो होनी चाहिए कि हम इन चीजों को देख सकें। और वो अपने, मुझे लगता है कि अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि ये चीजें उनके साथ में हुई थी। फिर उसके बाद तो ये तो था उनका लाइव साईं बाबा के साथ में उनका दर्शन, और इसी तरीके से जैसे वो गए थे उसी तरीके से वो उस गेट से बाहर निकल के आ जाते हैं। अब उसके बाद में जब वो जय कृष्ण मूर्ति से मिलते हैं, तो जय कृष्ण मूर्ति के जो विचारधारा है कि वो गुरु को नहीं मानते, किसी मंत्र को नहीं मानते, किसी प्रैक्टिसेस को नहीं मानते, वो सिर्फ अवेयरनेस में बिलीव करते हैं कि जो भी है अवेयरनेस ही है। और किसी भी गुरु के कोई भी गुरु आपको जो है ना अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हाइट तक नहीं पहुंचा सकता है। तो जब वो उनसे मिलते हैं तो वो उनको बोलते हैं, उनकी बातचीत होती है कि मेरे जो गुरु हैं वो बिल्कुल अलग हैं, वो मुझे अपने ऊपर डिपेंड नहीं करते, उन्होंने प्रैक्टिसेस करने के बाद मुझे फ्री छोड़ दिया है कि मैं उनके ऊपर डिपेंड ना रहूं। तो अगर आपका ये विचार है कि गुरु नहीं होना चाहिए तो ये विचार आपको छोड़ देना चाहिए। इस तरह की उनकी काफी कॉन्वर्जेशन होती है और वहीं पे उनको उनकी वाइफ मिलती है। इसके बाद में क्या होता है, बाबा जी उनको मैसेज देते हैं कि उनको तुरंत ही जो है ना उनको ऋषिकेश पहुंचना होगा। तो जहाँ पे वो बाबा जी से मिले थे उसी प्लेस पे जो है ना, वहां पे बाबा जी ने उनको बताया कि वो अपना देह को त्यागना चाहते हैं। तो जब वो वहां पहुंचे उनको पता चला तो वो पहले बहुत रोए कि उनके गुरु जो है उनको छोड़ करके जाना चाहते हैं। और फिर उसके बाद में जो है बाबा जी ने उनको आश्वस्त किया और उनको ये बोला कि तुम इतनी प्रैक्टिसेस करने के बाद में अगर भी अभी भी तुम इस शरीर से इतना लगाव रखे हुए हो तो तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस करने का क्या फायदा, क्योंकि हमारा जो रिश्ता है वो सिर्फ शरीर से नहीं है और मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, मैं इसके बाद भी तुम्हारे साथ रहूंगा, प्रेजेंट रहूंगा। और अब जैसा कि मेरा उद्देश्य पूरा हो चुका है तो मुझे मेरा जो है ना बॉडी को वैकेट करना है। तो श्री एम उस वक्त अपने आप को बहुत स्ट्रांग करते हैं और जैसा बाबा जी कहते हैं वैसा ही करते हैं। उनको बताते हैं कि जहाँ जिस गुफा के पास में वो रहते थे वहीं पे एक जंगल था
और वो जगह बताते हैं कि यहाँ पर तुमको गड्ढा खोदना है, तो श्री एम को करीब 2 दिन लग जाते हैं और वो कुछ एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न रहता है उसके अकॉर्डिंग उनको वो गड्ढा खोदना होता है, वो भी अकेले बिना किसी की हेल्प के। वो अपने गुरु के लिए वो गड्ढा खोदते हैं और फिर जब वो टाइम आ जाता है तब उनके गुरु जो है ना उसमें उस जो गड्ढा खोदा होता है समाधि के लिए उसमें बैठ जाते हैं और वो श्री गुरु जी को बोलते हैं। तो जब श्री गुरु महावतार बाबा जी वहां पे प्रकट होते हैं और श्री एम भी इस चीज को देख करके फिर से बहुत खुश भी होते हैं कि महावतार बाबा जी आए, लेकिन उनको एक तरफ ये भी होता है कि मेरे गुरु मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। तो वो जो टाइम होता है उनके लिए बहुत ही इमोशनल टाइम होता है और वो उनको बोलते हैं कि मैं कुछ ऐसी प्रैक्टिस करूंगा जिसकी वजह से मेरा जो है ना मेरी जो सोल है वो निकल जाएगी। और बाबा जी उस वक्त साक्षी रहते हैं जब महेश्वरनाथ बाबा जी समाधि ले रहे होते हैं, तो वो कुछ प्रैक्टिस ऐसी करते हैं कि उनका बॉडी के सारे फंक्शन काम करना बंद कर देते हैं और उनकी बॉडी में से एक रेनबो कलर की लाइट निकलती है। वो रेनबो कलर की लाइट सारी श्री एम के हार्ट सेंटर में जा रही होती है कि बाबा जी बोलते हैं कि मेरी जितनी भी पावर्स हैं जो मेरी शक्ति है वो मैं स्थानांतरित कर रहा हूँ तुम्हारे अंदर। तो उनके वैकेट के टाइम पे जो रेनबो लाइट थी वो उनके हार्ट तक पहुंचती है, उनको ट्रांसफर होती है और ये सब कुछ श्री गुरु बाबा जी के सामने हो रहा होता है। और उसके बाद में वो देखते हैं कि एक लाइट जो है छोटी सी लाइट उनके सर के ऊपर से क्राउन चक्र से होके निकल करके आकाश में जाकर के विलीन हो जाती है। और इस तरीके से इस प्रोसेस के बाद में जो है श्री गुरु बाबा जी उनसे बात करते हैं, मिलते हैं, उनको आश्वासन देते हैं कि समाज में उनको जाकर के क्या काम करने हैं और उसके बाद में उनको नमन करते हैं और वो जिस तरीके से आए होते हैं उसी तरीके से वो वापस चले जाते हैं। अब उसके बाद में जो श्री एम थे वो बहुत फूट फूट कर होते हैं अपने गुरु की याद में कि उनके गुरु उनको छोड़ करके चले गए हैं, लेकिन यात्रा यही खत्म नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो इतने अभी स्पिरिचुअली ग्रो मास्टर हैं कि वो कभी भी बाबा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं और बाबा जी उनको जो भी संदेश देने होते हैं वो संदेश देते हैं। यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी कि जब वो अपनी वाइफ से मिलते हैं तो उसके बाद में वो लोग एक आंध्र प्रदेश में प्लेस में रहते हैं और वहां पे एक स्कूल की स्थापना करते हैं जिसको सत्संग फाउंडेशन बोला जाता है। वहां पे उन्होंने जो स्कूल की स्थापना की थी वो उन बच्चों के लिए की थी जो एक जनजाति के हैं और बिल्कुल भी वहाँ एजुकेशन नहीं थी, लोगों को फ्री में बच्चों को फ्री में पढ़ाने के लिए उन्होंने वो स्कूल खोला था। और आज वो जो स्कूल है वो एक संस्था का रूप ले चुका है जिसे सत्संग फाउंडेशन कहते हैं। और आज भी जो श्री एम है वो इस तरह की जो भी प्रैक्टिसेस हैं जो गंभीर साधक हैं उनको दीक्षित करते हैं और उनको स्पिरिचुअली उनका जो है ना मार्गदर्शन उनका करते हैं। इसके साथ में ना एक चीज और शॉर्ट बताना चाहूंगी, जब श्री एम अपनी 60 की एज पे अभी 60 की एज पे कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर मतलब लद्दाख तक वहां तक मानसरोवर तक की पैदल यात्रा करते हैं, तो वो जितने लोगों को लेकर के जाते हैं तो वो पद यात्रा में जब वहां पहुंचते हैं कैलाश मानसरोवर, तो उसका एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी कि वो जब ध्यान में बैठे होते हैं तो ध्यान में उनको ऐसा फील होता है कि उनकी बॉडी बाहर आ चुकी है और वो कैलाश मानसरोवर की जो पहाड़ी है कैलाश पर्वत की वो उसके अंदर जाते हैं और वहां पे 2 नाग होते हैं जो कि उस गुफा की रक्षा कर रहे होते हैं और उनको सर झुका के फन से वो उनको मतलब बोलते हैं कि आप अंदर जा सकते हो। और जब वो अंदर जाते हैं तो उनके जो महेश्वरनाथ बाबा जी हैं वो वहां पे बैठे होते हैं और काफी सारे मास्टर वहां पे होते हैं, श्री गुरु बाबा जी भी होते हैं और वो उनको देख करके बोलते हैं कि मतलब श्री एम को वेलकम करते हैं कि तुम जो है आ गए हो यहाँ तक। और उनके साथ मीटिंग के बाद में श्री एम बोलते हैं कि अब मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता और मेरी बॉडी भी बहुत कमजोर हो चुकी है, अब मैं बस यही रहना चाहता हूँ। तो फिर से उनको बाबा जी दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है, तुम्हें फिर से वापस जाना होगा और तुम्हें अभी बहुत लोगों की मदद करनी है जो ट्रू स्पिरिचुअल सीकर हैं। और इस तरीके से जो उनकी मीटिंग रहती है जो उनकी कॉन्वर्सेशन रहती है उसके बाद में वो फिनिश होने के बाद वो वापस आते हैं और बाबा जी के आदेश से वो फिर से संसार में वापस आ जाते हैं और इस तरीके से वो अभी भी अपनी प्रैक्टिसेस दे रहे हैं। टाइम हो चुका है और आई होप कि मैंने जो इम्पोर्टेंट चीजें थी उनको कवर किया है। अगर कुछ रह गया है तो काफी कुछ है बताने के लिए। अभी भी ये सोचिए मैंने 50 में से मैंने शायद 15 या 20 को ही मेन को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है
और आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें नेचर का जो उन्होंने वर्णन किया है, डिस्क्राइब किया है हिल स्टेशन का, वो बहुत ही सुंदर है। और एक एक चैप्टर ऐसा होता है कि आप पढ़ने के बाद आगे पढ़ने का मन ही नहीं करता, मन कहता है बस इधर अभी बुक को स्टॉप करो और उस फील के साथ कनेक्ट हो जाओ। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं सोचती थी कि मुझे अभी 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, लेकिन मैं जैसे ही पढ़ती थी एक या दो, वही स्टॉप करके 10-15 मिनट में उसी फीलिंग के साथ कनेक्ट रहती थी। तो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। थैंक यू शिल्पी जी, थैंक यू सो मच। हाँ, मैंने ये बुक पढ़ी है और आपने मेरे को एक्चुअली रीलाइव करवा दिया, क्योंकि या इट्स अ नाइस बुक। तो थैंक यू सो मच, एंड आपने एकदम फ्लो में बताया सब कुछ, एकदम इट वाज अ नाइस फ्लो, सो थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू शिल्पी, थैंक यू, वंडरफुल। थैंक यू मैम। मैं तो आंखें बंद करके सुन रही थी, मुझे लग रहा था जैसे मैं पिक्चर देख रही हूँ। तो इसका सेकंड पार्ट कब लोगे, जो उनकी टीचिंग्स वगैरह और भी हैं? मैम मेरे पास बुक आ गई है, मैंने अभी रीड नहीं की है, वो बुक भी ऐसी ही है। नहीं तो इस बुक का तुम्हारा जो बचा हुआ है उसको नहीं शेयर करना है तुमको? मैम इस बुक के मेन मैंने सारे शेयर कर दिए हैं, दो तीन और है उनको मैं नेक्स्ट जो सेशन लूंगी, जो सर की सेकंड बुक है उसका शेयर कर दूंगी। इसे मैम एक चीज बताना चाहूंगी कि उनके जो गुरु थे उन्होंने ये बोल दिया था कि जैसे उनके 3.5 साल कंप्लीट हुए थे कि ये बोला था कि अभी तुमको कोई भी मतलब शिक्षा नहीं देनी है, लोगों को जाकर के शिक्षित नहीं करना है, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है और जब तुमको हरी झंडी दिखाई जाएगी तभी तुम जो है लोगों में जाकर के मीटिंग कर सकते हो, कॉन्फ्रेंस कर सकते हो और उनको स्पिरिचुअली उनका मार्गदर्शन कर सकते हो, लेकिन तब तक तुमको बहुत कुछ सीखना है। जब उनको लगा उनके मास्टर को कि वो अब मैच्योर हो चुके हैं लोगों को गाइड करने के लिए, तब उनको एक बार उनको मेडिटेशन में जब विजन आया था उसमें उनको बाबा जी जो है ना एक ट्रेन में एक हरी झंडी दिखाते हुए मिले थे, तो वो समझ गए थे कि अब जो है मेरी यात्रा शुरू हो गई है। और उसके बाद यूनिवर्स भी उनको ऐसे ऐसे लोगों से मीटिंग करा रहा था जो उनको इस काम में उनकी हेल्प करें, जैसे कि उनकी जो बुक लिखी है उसको मतलब उसको छपवाना और कॉन्फ्रेंस तैयार करना, उनकी आउट ऑफ कंट्री की जो मीटिंग्स हैं वो सेट करना, उनको फिर इसी तरह के लोग उनकी लाइफ में मिलते चले गए। तब उसके बाद उन्होंने लोगों को गाइड करना शुरू किया। इनकी भी रिट्रीट्स होती हैं? इनकी भी, हाँ, ज्यादा करके इट्स इंटरनेशनल बट दिसंबर में नागपुर में भी है। हाँ, एंड दी वो जैसे ओपन करते हैं फुल। इनकी रिट्रीट्स होती हैं, मतलब बिलीव नहीं हो रहा था जैसे बताते जा रहे थे, परंतु नेचुरली सच होगा। सितंबर में शायद स्विट्जरलैंड में हुआ, फिर अक्टूबर में, नवंबर में, फिर दिसंबर में नागपुर में, आउट ऑफ कंट्री ज्यादा रहते हैं। हाँ। और ये जो बुक भी उन्होंने लिखी है वो इंडिया में नहीं थे उस वक्त, स्विट्जरलैंड में या कहीं, तो मतलब बाहर थे, आउट ऑफ कंट्री में थे जब उन्होंने बुक लिखी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, किन्हीं को कोई क्वेश्चन पूछना है या शेयरिंग करना है तो हैंड रेज कर सकते हैं।